तो भाई बहुत हो गया बेस्ट सेलिंग। चलिए आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं 20 लिस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। तो 20th पोजीशन पर है हुंडई अल्काज़ार, जो कि एक प्रीमियम 7 सीटर SUV है, जिसकी जुलाई के महीने में 1443 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। 19th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी CS, पता नहीं लोग इसे क्यों लेते हैं, वही पुराना घिसा पीटा हुआ लुक मिलता है अभी तक, जिसकी जुलाई के महीने में 1348 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। 18th पोजीशन पर है रेनो काइगर, जिसकी जुलाई के महीने में 1043 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। काइगर एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करता था, फिर भी इसकी बिक्री इतना ही है। 17th पोजीशन पर है MG एस्टर, ये एकलौती ऐसी गाड़ी है जिसे इस प्राइस सेगमेंट में एडास मिलता है, जिसकी जुलाई के महीने में 954 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। 16th पोजीशन पर है रेनो क्विड, जिसकी जुलाई के महीने में 762 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। उसके बाद 15th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी इनविक्टो, मारुति की एकलौती ऐसी गाड़ी है जो भाई डूब गया, बर्बाद हो गया, जिसकी जुलाई के महीने में 757 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। 14th पोजीशन पर है सिट्रोएन की C3, जिसकी जुलाई के महीने में 331 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। उसके बाद 13th पोजीशन पर है जीप कॉम्पस, जो कि एक प्रीमियम 5 सीटर SUV है, जिसकी जुलाई के महीने में 277 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। उसके बाद 12th पोजीशन पर है MG ग्लोस्टार, जिसे फॉर्चुनर के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था लेकिन यह पिट गया, जिसकी जुलाई के महीने में 251 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। 11th पोजीशन पर है हुंडई टूसॉन, जो कि एक प्रीमियम ओवर प्राइज्ड 5 सीटर SUV है, जिसकी जुलाई के महीने में 239 यूनिट्स ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। 10th पोजीशन पर है टोयोटा हाइलक्स, जो कि एक ओवर प्राइज्ड पिकअप ट्रक है, जिसकी जुलाई के महीने में 216 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। उसके बाद 9th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन टिगुआन, जिसकी जुलाई के महीने में 169 यूनिट्स ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। 8th पोजीशन पर है जीप की तरफ से आने वाली एक और SUV, जीप मेरिडियन, जिसकी जुलाई के महीने में 164 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। 7th पोजीशन पर है स्कोडा की प्रीमियम SUV कोडियक, जिसकी जुलाई के महीने में 159 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। 6th पोजीशन पर है हुंडई की इलेक्ट्रिक SUV आयोनिक 5, जिसकी जुलाई के महीने में 125 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। उसके बाद 5th पोजीशन पर है महिंद्रा मराजो, जिसकी जुलाई के महीने में 81 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। 4th पोजीशन पर है हुंडई की दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी कोना, जिसकी जुलाई के महीने में सिर्फ 60 यूनिट्स बिकी है पूरे देश में। 3rd पोजीशन पर है सिट्रोएन की EC3, जिसकी जुलाई के महीने में 49 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर। 2nd पोजीशन पर है किया की इलेक्ट्रिक गाड़ी EV6, जिसकी जुलाई के महीने में सिर्फ 15 यूनिट्स ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। और जुलाई के महीने में सबसे कम बिकने वाली गाड़ी है सिट्रोएन की C5 Aircross, जिसकी सिर्फ 8 यूनिट्स ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। तो भाई ये है वो 20 गाड़ियां जो जुलाई के महीने में सबसे कम बिका है। इनमें से कुछ गाड़ियों को इस लिस्ट में होना चाहिए और कुछ गाड़ियों को इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, फिर भी इस लिस्ट में है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।